हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, हमारी कंपनी कुछ ना कुछ नया बिजनेस लेके आया, तो आज स्पेशली हम समर नज़दीकी है, गर्मियों का मौसम नज़दीकी है, और गर्मियों में सबसे ज़्यादा चलने वाला नेचुरल फ्रेश जूस का मशीन लेके आए, 2022 की सबसे लेटेस्ट मशीन लेके आए, जिसके अंदर से दोस्तों एकदम चील और ठंडा शुगर के नेचुरल फ्रेश जूस निकलने वाला है। दोस्तों, तो ये मशीन फुल्ली कार्ट हमने बनाई है, लाइटिंग सिस्टम वाली, कहीं पर भी ले जाके अपना बिजनेस कर सकते हो। नॉर्मल जूस भी निकाल सकते हो, चिलिंग वाला एकदम ठंडा जूस भी निकाल सकते हो इसमें से। इसमें आपको बर्फ, आइस या कुछ भी डालने का जरूरत नहीं है दोस्तों। नेचुरल जूस, लाइव गन्ना लगाओ और लाइव ठंडा जूस निकाल के अपने कस्टमर को दो। ओनली दो ही काम करना है ये मशीन के अंदर दोस्तों। आज की तारीख में बहुत ही आधुनिक मशीन है और एडवांस फ्यूचर्स, एडवांस फंक्शन वाली मशीन है। ये मशीन की प्राइस भी एकदम लो कॉस्ट की है दोस्तों, प्राइस भी इतनी कोई महंगी नहीं है दोस्तों। तो प्राइस भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताएंगे दोस्तों कि मशीन की कीमत, प्राइस क्या है, डिलीवरी सिस्टम क्या है, सब सिस्टम क्या है, वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। दूसरे नंबर में दोस्तों, मशीन पूरी वन टाइम क्रश है, एक ही बार गन्ना डालना है आपको, बार बार घुमाना नहीं। एक बार गन्ना डालेंगे, इसका जूस यहाँ पे आ जाएगा और उसका वेस्टेज नीचे हमने डस्टबिन बॉक्स दिया है, वहां पे उसका वेस्टेज आ जाएगा दोस्तों। तो अभी दोस्तों हमने पूरी मशीन स्टार्ट करके रखी है, पूरी वर्किंग करके रखी है, जिसका टेम्परेचर भी हमने एक मशीन में 5 का टेम्परेचर दिया है, एक मशीन में 1 का टेम्परेचर आया है। एक नंबर के टेम्परेचर से जूस ठंडा इसमें से निकलेगा, इसमें से 5 नंबर से निकलेगा। इसको आपको वो एक नंबर करना है तो आप कर सकते हो, माइनस टेम्परेचर करना है तो भी आप कर सकते हो। इसमें सेटिंग यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। पूरी मशीन पावर सेवर है दोस्तों, इतनी पावर नहीं खाती है। मैक्सिमम अगर आप दिन में अराउंड 1000 से 1500 ग्लास का सेलिंग भी कर लेते हो, फिर भी 8 से 10 यूनिट से ज्यादा पावर नहीं खाती है बस ये मशीन दोस्तों। पूरी मशीन पावर सेवर है, ऑटोमेटिक है, पूरी स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है। प्लस यहाँ पे हमने लाइटिंग डेकोरेशन दिया, आप देखिए पूरा ये लाइटिंग सिस्टम है। दो ये लाइट के अंदर 3 अलग अलग कलर आप निकाल सकते हो। इसमें जैसे हमने व्हाइट कलर के रखा है, इसमें येलो कलर है, आप देख सकते हो, ऑफ व्हाइट है, ये कलर भी घुमा सकते हो। इसको व्हाइट करना है तो इसको आप व्हाइट भी कर सकते हो, देख सकते हो पूरा व्हाइट हो चुका है कलर। इसको ऑम व्हाइट करना है तो आपको इसको ऑम व्हाइट कर सकते हो, इसको आप देखिए पूरा ये ऑम व्हाइट हो गया इसका कलर। पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील की है, इसका पूरा काट भी स्टील का हमने बनाया, कहीं पे भी लोहा या एमएस यूज नहीं किया है दोस्तों। बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है, पूरी काट सिस्टम वाली है, वन सेटअप मशीन है, कहीं पे भी मूवमेंट हिलन चिलन करके घुमा सकते हो। इसका वेस्टेज बॉक्स, डस्टबिन बॉक्स हमने यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं ये वो वेस्टेज बॉक्स का पॉइंट है इसका, यहाँ पे वेस्टेड डस्टबिन है इसका, जो भी कचरा डस्टबिन जो गिरेगा ये पूरा डस्टबिन के अंदर जाएगा। 50 से 60 किलो डस्टबिन वेस्टेड इकट्ठा कर सकते हो एक साथ में, एक साथ करने के बाद पूरी फोल्डिंग है, पूरी बाहर निकल के आप उसको वेस्टेड बॉक्स में डाल सकते हो दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको मशीन की वर्किंग और मशीन की डेमोस्ट्रेशन करके भी बताऊंगा। ये मशीन में गालने के लिए इसका झाली भी यहाँ पे दिया गया, आप इसको गाल भी सकते हो, आप देख सकते हो इसका गन्नी भी यहाँ पे है, ये गालने के लिए गन्नी दिया गया हमने इसमें। आपको कोई गालने का भी इसको जरूरत नहीं है दोस्तों, ऑटोमेटिकली गल जाएगा। कोई कस्टमर अगर गर्म जूस मांगता है तो आप यहाँ से नल खोल के उसको गर्म जूस दे सकते हो। कोई कस्टमर ठंडा जूस मांगता है तो उसके लिए 2 हेड यहाँ पे हमने दिए। गिरा की ज्यादा है, प्रोडक्शन ज्यादा लेना है तो एक साथ 2 आदमी डबल हेड से इसमें से निकाल सकता है। प्लस यहाँ पे हमने ऑरेंज जूसर मशीन भी दिया गया, जिसमें आप ऑरेंज है, मौसम्बी है, नींबू है, पाइनएप्पल है, दाड़म है, ऑरेंज मौसम्बी दाड़म है नींबू है, उसका जूस निकाल के भी एक एडिशनल बिजनेस भी कर सकते हो। एक एडिशनल कोई कस्टमर रिक्वायर मांगते हैं ऑरेंज मौसम्बी चाहिए तो उसका भी जूस निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने स्टोर दिया, यहाँ फ्रूट का यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। ये ड्रेनेज है, वेस्टेज जो पानी है, जूस का बूंद है, वो सब निकल के नीचे ड्रेनेज बॉक्स में चला जाएगा दोस्तों। आपको इसमें से गन्ना लगा के जूस निकाल के बताएंगे कैसे इसको वर्क करना है, कैसे ऑपरेट करना है। सबसे पहले हमारे हाथ में गन्ना है, हम इसके अंदर गन्ना लगाएंगे, मशीन को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं एक गन्ना लगा दिया हमने इसमें, ऑटोमेटिक ही जा रहा है इसके अंदर गन्ना, आप देख सकते हैं। आपको इसको धक्का लगाने का है, दबाने का कोई जरूरत नहीं है इसको। उसके बाद हम दूसरा गन्ना भी डालेंगे इसमें से, आप देख सकते हैं दूसरा गन्ना लगा के छोड़ देना है आपको, इसको लगा के रुकना नहीं है दोस्तों, वेट नहीं करना है इसके अंदर आपको। उसके बाद मशीन को हम बंद कर देंगे और यहाँ से जूस निकालेंगे। सबसे पहले हमने इसमें लाइन में पानी लिया, इसलिए सबसे पहले वाटर आएगा इसका लाइन में, आप देख सकते हैं लाइन में पहले पानी लिया हुआ है, इसलिए वाटर आ रहा है इसमें से। साफ सफाई करने के लिए हमने इसमें से वाटर डाला हुआ था।
ये सुगर केन जूस स्टार्ट हो चुका है ना, इसमें से आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश और क्लीन कलर का जूस है, ग्रीन कलर का एकदम है, आप देख सकते हैं एकदम ठंडा है। यहाँ पे चिलनेस बता रहा है, आप देख सकते हैं कितना चिल्ड है, यहाँ से दिखा रहा है इसमें से, ये देखिए पूरा कितना चिल्ड जूस है गन्ने का, यहाँ से लाइव दिखा रहा है आपको, एकदम फ्रेश और लाइव ठंडा चिल्ड जूस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका छारी भी जम रहा है, बहुत ही बेहतर क्वालिटी के, गर्मियों के मौसम में एकदम फ्रेश आइस बर्फ डाले बिना का नेचुरल और ठंडा जूस इसके अंदर से निकला हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन कलर का, इसका कलर भी आप देखिए दोस्तों, बहुत सारी जगह पे ब्लैक कलर होता है, अपनी मशीन में लाइव टू लाइव जूस निकलता है, यहाँ से आप गन्ना डाला, यहाँ से एकदम घूम के सर्कुलेशन -5-6 के टेम्परेचर से घूम के ठंडा चिल्ड होके एकदम बाजार में बाहर निकलता है इस तरह का। तो इसी तरह दोस्तों मैं आपको हमारी दूसरी मशीन है उसका भी मैं आपको वर्किंग करके वीडियो बताऊंगा दोस्तों, ये पूरी दूसरी मशीन है, इसका टेम्परेचर जीरो का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जीरो का टेम्परेचर दिख रहा है, गन्ने के हिसाब से इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है, जैसा गन्ना रहता है इसमें थोड़ा हेवी साइज का गन्ना है तो हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने जो लाइन में पानी लिया है वो निकाल लेते हैं इसमें से, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाटर निकाल रहे ले रहे इस काम पहले दोनों नल में से निकाल ले रहे, क्योंकि हमने वॉश करने के लिए साफ करने के लिए इसमें पानी डाला था, आपको भी रोज रात को बंद करना है तो एक बार पानी डाल के इसमें क्लीन करके वॉश कर देना है, आपको साफ कर देना है। अभी हम ये मशीन के अंदर भी गन्ना लगा के आपको दिखाएंगे दोस्तों, ये हेवी गन्ना है आप देख सकते हैं पूरा हेवी ड्यूटी गन्ना है, अभी हम इसमें हेवी गन्ना लगाएंगे, आप देख सकते हैं हमने लगा दिया गन्ना, लगा के छोड़ देना है आपको, पकड़ के नहीं रखना है गन्ने को, ये लगा के हमने छोड़ दिया इसको, इसमें कुछ आदू है आपको पुदीन हरा है ऐसा कुछ भी डालना है उसका भी टेस्ट चाहिए तो उसका भी आप टेस्ट ले सकते हो। अभी एक और गन्ना हम डालेंगे इसके अंदर, आप देख सकते हैं दूसरा भी हमने गन्ना लगा दिया इसके अंदर, अभी हम मशीन को बंद कर देंगे यहां से, अभी यहां से हम इसको जूस निकालेंगे इसमें से, पहले जो लाइन में पानी था वो पानी निकल जाएगा इसमें से, एकदम जूस आना स्टार्ट हो चुका है इसमें से, आप देखिए एकदम ग्रीन कलर का जूस निकल रहा है इसमें से, आप देख सकते हैं पूरा बेहतरीन क्वालिटी का एकदम कलर, आप इसका देखिए एकदम फ्रेश कलर है, कोई कस्टमर ठंडा मांग रहा है यहाँ से आप जूम करके बताइए कितना चिल्ड आ रहा है, कस्टमर को मालूम पड़ेगा, इसकी पाइप देखेंगे इसलिए मालूम पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे पूरा ये पाइप पूरा जम जा रहा है, देखिए पूरा ये पाइप में इसका पूरा ठंडे का छर आ रहा है देखिए, और कोई कस्टमर अगर रिक्वायर्ड करता है कि उनको गर्म जूस चाहिए तो उनको आप यहाँ से डायरेक्टली नल खोल के ठंडे बिना का भी जूस दे सकते हो उसमें से, आप देख सकते हैं पूरा ये ठंडा नहीं है, नॉर्मल जूस है एकदम नॉर्मल जूस है, कोई कस्टमर नॉर्मल मांगता है तो उसको नॉर्मल दे सकते हो, कोई कस्टमर चिल्ड मांगता है तो ये पूरा चिल्ड जूस है एकदम ठंडा है, 0-2 के टेम्परेचर का जूस है, ये नंबर दो का है, दो नंबर का जूस इसके अंदर से निकला है बेहतरीन क्वालिटी का, आप देख सकते और जो वेस्टेज और कचरा रहता है दोस्तों यहाँ पे इसका डस्टबिन दिया गया है, डस्टबिन के अंदर पूरा कचरा भर गया है, देख सकते हैं यहाँ पे इसका वेस्टेज और कचरा इसके अंदर भर चुका है, एकदम पूरा सूख गया है गन्ना, आप देख सकते हैं पूरा ये कचरा इसका डस्टबिन के अंदर आ जाइए पूरा कचरा इसका। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है आज की तारीख में, पूरी मूवमेंट वर्सी मशीन है, इसको कहीं पे भी हिलन चिलन इसका हम साइड लुक भी बताएंगे आपको, पीछे ले लीजिए कि मेरे को हम इसका आपको साइड लुक भी बताएंगे थोड़ा इलाके, अब देखिए इसका साइड लुक पूरा, ये साइड लुक है, ये फ्रंट लुक भी अगर देखना है जो कस्टमर के सामने फ्रंट लुक दिखेगा, जो कस्टमर को दिखना चाहिए फ्रंट लुक, ये पूरा फ्रंट लुक है, ये आगे का लुक है पूरा,
जो है कस्टमर को दिखेगा, या आपको जो बेचने वाला है उसको ये लुक पे खड़ा रहना है, यहाँ से बनाना है उसको, बना के जो भी झूस बना के यहाँ पे उसको सर्विंग करना है। ये फ्रंट लुक है और बैक लुक है। ये पूरा डेकोरेटिंग कर दिया है, जो कस्टमर ने नाम बोला था शुभ रसवंती ग्रुप, ये पुणे के लिए मशीन जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश के लिए मशीन जा रहा है। दोनों मशीन कस्टमर की ऑर्डर की है, बुक की गई है मशीन, आप देख सकते हो। कस्टमर ने जो कलर डिजाइनिंग बोला था हमने पूरा क्रिएट कर दिया है, एज ए योर रिक्वायरमेंट, आपको भी जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से हम पूरा क्रिएटिंग और बना के आपको डेवलपिंग करके देंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह की मशीन की ज़्यादा डिटेल, ज़्यादा जानकारी, प्राइस, डिस्काउंट, ऑफर, डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, मशीन के साथ क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता है, सब जानकारी के लिए हमारे दिए गए वीडियोस के नीचे नंबर है, वहाँ पे कांटेक्ट करके हर एक डिटेल जानकारी फंक्शन ले सकते हो दोस्तों। दोस्तों मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारी टीम एक्टिव रहती है, वो टाइम पर आप कभी भी कॉल करके हर एक जानकारी डिटेल फंक्शन ले सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।